लोग हमेशा ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाता रहता था कि उस औरत को समझाते हैं नहीं समझते हैं, और उसके घर में सबको फोन करके तेज बाबू थक गए। जब हम रोते हैं ना तेज बाबू तो ये लोग हंसता है मजाक उड़ाता रहता था कि कलाप रही है, हम तंग आ गए हैं तेज बाबू, इसीलिए हम आपको पूरा डिटेल भेज दे रहे हैं, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, इसका सिला आपको ऊपर वाला देगा। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, पर क्या करें तेज बाबू, इन लोग हद कर दिया है, बहुत लोग रह दिया कि तेज बाबू के दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटा है, ये दूसरा लालू है, समझे, हम इसलिए आपको फोन करके परेशान किया है, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। लालू परिवार में छिड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक बड़ा विवाद सामने आ जा रहा है। अब तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद के मंच से राजद को ही तार तार कर दिया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक ऑडियो सुनाया है जिसमें एक महिला कारी सोहेब पर आरोप लगा रही है। महिला का कहना है कि कारी सोहेब उनसे 2 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं और वो लगातार तेज प्रताप यादव से मदद की गुहार लगा रही है। उसी का ऑडियो तेज प्रताप यादव ने खुले मन से मीडिया कर्मियों को सुना दिया है। पहले आप इस ऑडियो को सुनिए। आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं सॉरी, पर देखिए हम जितना पैसा भेजे हैं लड्डू बाबू को और स्वयं को, हम उसका डिटेल हम आपको भेज दे रहे हैं। इन लोग हमेशा ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाता रहता था कि उस औरत को समझाते हैं नहीं समझते हैं, और उसके घर में सबको फोन करके तेज बाबू थक गए। जब हम रोते हैं ना तेज बाबू तो इन लोग हंसता है मजाक उड़ाता रहता था कि कलाप रही है, हम तंग आ गए हैं तेज बाबू, इसीलिए हम आपको पूरा डिटेल भेज दे रहे हैं, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, इसका सिला आपको ऊपर वाला देगा। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते, पर क्या करें तेज बाबू, इन लोग हद कर दिया है, बहुत लोग रह दिया कि तेज बाबू के दरबार से कभी कोई खाली नहीं लौटा है, ये दूसरा लालू है, समझे, हम इसीलिए आपको फोन करके परेशान किया है, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। तेज बाबू स्वयं का अकाउंट नंबर चेक कर लीजिए, 15 अगस्त में लास्ट वीक में उसको दिल्ली से 2 लाख रुपया आया है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, अगर झूठ है तो आप जो बोलिएगा हम वो करेंगे, समझे। ए बाबू बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत कर्ज लेके हम लगाए हैं, इंटरेस्ट पर लेने की किसी किसी से मांग के कर दिया ना तेज बाबू कि 50,000 रुपया महीना आएगा, तो हम सोचे ना तेज बाबू कि जहाँ से लेके लगाएंगे ये देगा तो मेरा काम चल जाएगा और 10 रुपये चलता रहेगा, ये काली सोया वाला दो मिल के हमको फंसा दिया बेटा, मेरी मदद करो बेटा। इसका भी डिटेल हम आपको भेज दिया है, आप इसको भी चेक कर लीजिए, हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आपका तो पहुंच बहुत बड़ा है, आप चेक कर लीजिए बेटा, और चेक करके प्लीज हमें रिप्लाई कीजिएगा, बैठिएगा नहीं, हम इधर बहुत परेशान हैं, हम आपके भरोसे हैं, समझे, कि तेज बाबू के दरबार से कोई खाली नहीं गया है, ठीक है ना तेज बाबू, खुद रहिए बेटा, दोनों रहिए फोटो करिए। अपने इसमें देखा होगा सुना भी होगा किस तरीके से लड्डू नाम का है अकारी सोहेब, दोनों मिल करके उन महिला को उल्लू बनाने का काम किया, क्या पार्टी पे कार्रवाई ये करेगी या इस पे पूरे तरीके से छात्र जनशक्ति परिषद के द्वारा हमारे पास सबूत भी है, हम उस पर PIN कर मुकदमा कर ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे लोगों को जो RSS के द्वारा
ऑडियो क्लिप में जिस महिला की आवाज़ है वह पूरा अकाउंट डिटेल दे रही है। वह कह रही है कि उसने अपने अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफ़र किए थे। कारीब सोहेब और लड्डू ने उसे झांसा देकर पैसे ऐट लिए हैं, अब वो पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। महिला कह रही है कि उनके सामने पैसा का गंभीर संकट है, तेज प्रताप यादव जी पैसा लौटा दीजिए। तेज प्रताप यादव ने मन से महिला का ऑडियो क्लिप सुनाकर कहा कि कारीब सोहेब पर पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों नहीं कारीब सोहेब को पार्टी और पद से हटाया गया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राजद और आरएसएस के एजेंट चला रहे हैं, उन्हीं लोगों ने आकाश यादव को पद से हटाया था, लेकिन कारीब सोहेब को संरक्षण दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने खुले मन से एक ऑडियो सुनाया जिसमें महिला कारीब सोहेब पर पैसे लेने का आरोप लगा रही है। आपको बता दे कि राजद में छिड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से जगदानंद सिंह ने छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाया है, तब से तेज प्रताप यादव काफी नाराज चल रहे हैं। महीने भर हो गए तेज प्रताप यादव ने राजद से अपना किनारा कर लिया है। लगातार तेज प्रताप यादव जनशक्ति परिषद के विस्तार में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।